चैनल को मैं फिर से आज आप सबके स्टैमिना पे, आपकी दलेरी पे, आपके शौर पे और आपकी हुबल बतरी को आज फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं। मैंने फैसला तो किया था कि मैं अब यहां बैठूंगा जब तक ये इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन की मुझे डेट नहीं देती और असेंबली खत्म नहीं करती और इलेक्शन की डेट नहीं देती। लेकिन जो मैंने पिछले 24 घंटे में हालात देखे, ये मेरे मुल्क को इंतजार की तरफ लेके जा रहे हैं। जो मैंने देखा, अपनी आवाम को अपनी पुलिस से नफरत करवाने जा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये आवाम से डरते हैं। ये जब भी बात निकलेंगे आवाम में, ये इंपोर्टेड हुकूमत के लोग दो नारे सुनेंगे, ये एक चोर और दूसरा गद्दार। जिलम भी निकलेंगे आज ये दो नारे सुनेंगे, इसलिए आवाम से डरते हैं। सो ये पूरी कोशिश इनकी है कि हमारी मेरी लड़ाई करवाई जाए, नफरत फैलाई जाए अपनी पुलिस के खिलाफ, जो इन्होंने पुलिस से हरकतें करवाई हैं। आवाम पुलिस को बुरा समझेगी, कभी भी आवाम पुलिस को अपनी पुलिस नहीं समझेगी जिस तरह इन्होंने जो हरकतें की हैं। जिम्मेदार ये हैं, ये नफरतें फैला रहे हैं अपनी पुलिस से। दूसरा, रेंजर्स का इस्तेमाल किया गया, रेंजर्स का इस्तेमाल किया गया जिस तरह हमको दहशत गर्द है, जिस तरह हम कोई मुल्क के गद्दार हैं, जिस तरह हम कोई मुल्क के अंदर इंतजार बढ़ाने आए थे, इन्होंने रेंजर्स का इस्तेमाल किया तो सिर्फ पुलिस के खिलाफ और हमारे और पुलिस के अंदर नफरत ही नहीं बना रहे, हमें अपनी फौज के भी खिलाफ कर रहे हैं। और अगर मैंने ये जो हालात देखे हैं, ये अगर मैं आज जाऊं, जो मैंने फैसला किया था कि बैठ जाऊं, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये तो खुश होंगे, लेकिन ये हमारी लड़ाई करवाएंगे अपनी पुलिस से भी, अपनी फौज से भी। फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है और आवाम भी हमारी है। हम किसी सूरत, हम तो मुल्क को इकट्ठा करने आए हैं, हम तो मुल्क को यूनाइट करने आए हैं, हम तो मुल्क को तकसीम नहीं करने आए। अगर इस मुल्क को, इसकी मईशत को नुकसान होता है, अगर रुपया गिरता है, रुपए की कीमत कम होती है, जो हो रही है, जो जब से ये आए हैं मईशत का बुरा हाल है, स्टॉक मार्केट नीचे, रुपया गिरा, तो जब रुपया गिरता है इनके जो लीडर बैठे हैं इनकी दौलत में इजाफा होता है, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनके पैसे डॉलरों में हैं। रुपया गिरता है, डॉलर मजबूत होता है, इनको तो फायदा होता है। कौन गरीब होती है, ये अमीर होते हैं, इसलिए इनका और पाकिस्तान का इंटरेस्ट एक नहीं है। मैं बड़ी देर से कह रहा हूं कि अगर इस मुल्क में आगे बढ़ना है तो ये जो इस मुल्क के ऊपर 30 साल से दो खानदान इस मुल्क का खून चूस रहे हैं, जब तक हम इनका इंतजाम करके, इनसे पैसा निकाल के इनको जेलों में नहीं डालेंगे, ये मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो मैं आज मैंने ये फैसला किया, गौर से सुने, आपको तो सुने नहीं, अब सुने गौर से।
मैं हूं एक जो अपने आप को आशिक रसूल कहता हूं, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूं। और मेरे नबी ने हमें एक चीज सिखाई थी कि इंसानों को इकट्ठा करना है, तकसीम नहीं करना। मेरे नबी रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं अपने सारी कौम को इकट्ठा करूं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कौम इकट्ठी हो रही है, कौम हमें कौम बन रहे हैं। तो मैं आज यहां से ऐलान करना चाहता हूं, इस इंपोर्टेंट हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं, 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबली डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। आपके पास टाइम है, गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही, गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही, आप गवर्नमेंट चलाने नहीं आए, करप्शन के सजाब अपने खत्म करवा रहे हैं। इसलिए 6 दिन अगर 6 दिन में आपने फैसला ना किया, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके इंशाल्लाह इस्लामाबाद आऊंगा। और इस बारी कोई रुकावटें नहीं होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि कोई किसी किस्म की पुरमन एहतजाज पे किसी किस्म की रुकावट नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह पंजाब से भी सारे लोग पहुंचेंगे। और इंशाल्लाह जो मैं चाहता हूं कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद में हम इकट्ठा करेंगे अगर आपने इलेक्शन अनाउंस किए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।